कॉलेज लेट पहुंच गए, अभी देखेंगे कि क्या होगा अंदर। डॉक्टर भी आ रहा है लेकिन इसको जरा बेइज्जत करेंगे, इसको जरा बेइज्जत करेंगे। पूरी गरीब खलक दिया फोन ही लेते लेने चिरो बे तस्वीरें तो वलाड़ी मतलब दस ही है यार, दस ही है जालिमान। हां गरीब खलक को यदरे दरे करेंगे वाला वाली जालिमान। हां वो पटे पटे खर्च की। अच्छा भाई बहुत ज्यादा लेट हो गए और इशारे भी लगाए हैं सब कुछ की, अल्लाह खैर करे। इट्स माई लास्ट पेपर और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैं लेट हुआ हूँ, तो चलो अल्लाह खैर करे। और इतना रश भी है और इसमें कॉलेज भी पहुँचना है। मेरा पेपर 9:30 पे स्टार्ट होता है और अभी 25 मिनट कम या 20 मिनट कम 10 बजने वाले हैं, तो देखेंगे कि वहाँ हाल में क्या सीन होगा। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं अभी कितना डर गया हूँ, और क्योंकि लास्ट पेपर है और कॉलेज में, और अभी देखेंगे हमारे सुपरिटेंडेंट साहब भी बहुत सख्त है, तो पता नहीं कि क्या होगा अभी, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। कितना लेट है हम और आगे से इशारे भी लगे हुए हैं, तो अल्लाह माफ़ कर। मैं तो कोशिश करूँगा कि इशारा तोड़ दो, सिग्नल तोड़ दो। तो फाइनली कॉलेज पहुंच गए और अभी देखेंगे कि अंदर का क्या सीन होगा। ये मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ, ये आप लोग टाइम देख ले। 25 मिनट तकरीबन मैं लेट हो गया हूँ और अभी ये कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज लेट पहुंच गए, अभी देखेंगे कि क्या होगा अंदर। चाचा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? चलो चलो जल्दी करो। हाँ लेट हो गए। और क्योंकि मेरा फ़र्ज बनता है कि आप लोगों को ज़रा ये चीज़ें भी दिखाऊँ कि वॉशरूम्स का हाल है। इस वॉशरूम में कोई किस्म का कुछ भी नहीं, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सब कुछ बंद पड़े हुए हैं और हाल में आप लोग देख ले, सेम क्लोज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ का माहौल ये है, इतनी बदनज़र। अस्सलाम वालेकुम, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, लास्ट पेपर, लास्ट पेपर, कंग्रेचुलेशन। पेपर हम क्लियर करा, हां पेपर हम जाने क्लियर करा। सिंगर अपन मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, पेपर खत्म हुए। ऑफिशियली वी आर प्रमोटेड टू फिफ्थ सेमेस्टर। या अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्रमोटेड टू फिफ्थ सेमेस्टर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आवर हाफ degree is completed. Yeah, exactly. The fifth semester will be begin from next year. Inshallah. Hopefully it will go onward with proper management and administration. Inshallah, inshallah. And congratulations on having you very good. Yeah, exactly. Yeah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. This is our professor. How are you? Professor Saab. I'm sure you are all well. Right. क्या हाल है? पेपर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। अच्छा कैसे? मैंने मैंने कंग्रेचुलेशन के हमारा आधा तालीम कंप्लीट हो गया, 8 सेमेस्टर से 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, 4 अभी बाकी है। मतलब कि हमने बीए कंप्लीट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चूँकि हमारा बीएस डिग्री है तो ये 4 ईयर्स डिग्री है, तो इंशाल्लाह ये भी इस तरह गुजरा के बिल्कुल हमें पता भी नहीं चला। कल हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था और अभी फोर्थ सेमेस्टर हो भी गया। मतलब आज तालीम हमारा कंप्लीट हो गया, इस तरह एक दिन हम डिग्री भी ले लेंगे। ये प्रॉक्टर भी आ रहा है, लेकिन प्रॉक्टर भी आ रहा है, लेकिन इसको जरा बेइज्जत करेंगे, इसको जरा बेइज्जत करेंगे। पूरी गरीब खलक दिया फोन ही लेते लेने चिरो तस्वीर तो वाला दस शेख यार, दस शेख जाली
ظالمانو غریب خلکو یو درې درې کمرو والا والی ظالمانو یو پټه پټه خرچ کوي یو پټه پټه خرچ کوي تاسو لکه دوی چې دې کنه یو پټه نشي خرڅولې نور بس اچھا الحمد للہ پیپرز بہت زبردست ہو گئے. یہ ہمارا کالج ہے, آپ لوگوں نے تو دیکھا بھی ہوگا, اور ابھی اسٹوڈنٹس بھی ساتھ ہیں. یہ رضوان بھائی ہے, پیچھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارا کالج ہے. اچھا بھائی الحمدللہ ہمارا آدھا حصہ میرے تعلیم کا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ میری یہ ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. اور وقت بہت زیادہ تیزی سے گزر رہا ہے. جتنا بھی آپ لوگوں سے ہو سکے اچھی زندگی گزارے, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور اپنے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں آپ لوگوں کے, بالکل بھی دل میں غم نہ رکھے, دل میں بغض نہ رکھے, دل میں کینہ نہ رکھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے گا. یہ دنیا ساری زندگی 50-60 سال کی زندگی ہے, یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ ایک خوبصورت زندگی گزارے, ایسی زندگی گزارے کہ چلے بھی جائے اس جہان سے تو لوگ آپ کو یاد رکھے کہ اس طرح ایک ریحان ہوتا, ریحان نامی شخص تھا, اور مطلب اچھائی کے ساتھ آپ لوگوں کو یاد کریں. چلو جی, باتیں پھر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے. اور اگر آپ لوگ میرا ڈیلی لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں. ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھے سے برینڈ نیو بلاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ.